हरि ओम 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 हरि ओम। आज तो बहुत धूप है। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। बच्चे आजकल के बच्चे। हरि ओम बेटा हरि ओम। अरे पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही, ब्याह करवा दो मेरा। पहले तुम काम करो, थोड़ा फोन को साइड में रखो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो बेटुआ। शादी करेंगे, पढ़ाई करो, शादी करेंगे। दांत साफ होते नहीं है शादी। हरि ओम हरि ओम। भैया जी देखो, रामफल के 12,000 रुपया और रह गया 60,000 में थे बस। और कलुआ के जी ब्याज याज देना रहो, जाके कॉल देना, भरने पड़ेंगे भैया। भरो भरो। हाँ जी ठेकेदार जी बोलिए। सीमेंट आ गई है और ईटा आना बाकी है अभी। आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, करो इनकी दिक्कत सॉल्व कर दो फोन। तुम पहुंचो, हवाल भेज रहे हैं हम, हवाल कर रहे हैं। कहाँ रहेगा जे भैया जी? राम राम। आओ पंडित आओ, बड़े दिनों बाद आए हो। लाए हो कुछ? इस बार बहुत सारा कलेक्शन आया। विदेशी बोलोगे तो विदेशी दिखा देंगे, देशी बोलोगे तो देशी दिखा देंगे। अच्छा चल दिखा। विदेशी देखिए, मिया है, लाना रोज है, डैनी डैनियल है और अमेंडा सेनी है। अरे महाराज जी, पर इनको तो पहले से ब्याह रखो है। ओ चुप, भैया जी के टुड़वा देंगे ना भाई। ना तो इसने 6 महीने से पैसे दिया और ना ही उसका ब्याज दे रहा, बताओ क्या करना है इसका? ये भी कोई पूछने वाली बात है? साड़े को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका। चल अच्छा। हाँ पंडित, देख भैया एक काम कर, तू किसी का घर भर मत तुड़वाया, जिसका बस रहा उसका बसा रहन दे, तू देसी में ही दिखा दे कुछ। और वैसे भी आजकल वोकल फॉर लोकल का क्रेज है, मोदी जी कितना प्रमोट कर रहे हैं, दिखाओ उसमें कुछ। भैया जी देसी में तो नहीं होगा भैया जी। देसी में नहीं होगा? धर्मेंद्र इसको उठा, पेड़ पे इसको भी लटका उसके साथ। अरे हम पंडित है भाई, अरे हम पंडित है, अरे भाई, अरे ओ भाई, भैया जी सॉरी भैया जी। अरे भैया जी और वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे नितिन भाई, ये मुर्गा क्या ती बना रखा है यार? यो मुनीम गाड़ा मेरा एक नंबर का चोर आदमी है यार। अरे ना ना भैया, हम चोर ना है भैया, जावर हमने तुम्हारा काम पूरा करो, ये पूरा लिखो हिसाब किताब। दिखा जी। देखो भैया जी, जी देखो भैया जी, है रविंदर, जाने हम तो 10 लाख रुपया लाए भैया, 3 लाख रुपया देवे के बाद जी तो पहुंच गए स्वर्ग, बचे भैया 6 लाख रुपया, बाकी भैया हमने इनके 3 लाख रुपया की भैंस ले ली और भैया बचे 4 लाख रुपया, भैया पे डूबे गए, नुकसान हो गया भाई, तनी है तो कह रहा है। अच्छा अगला दिखा। और अगला भैया जी देखो जी, है रामू, जाने हम ते ले 2 लाख रुपया, भैया पिछले 3 महीना थे ट्राई कर रहे हैं, आपको फोन ना लग रहा, बताओ ये हम क्या करें भैया, बड़े परेशान है हम तो जाते। नंबर बता मेरे को, मैं हाँ भैया नंबर ले। हेलो। हाँ जी कौन? बेटा रामू, पापा बात कर रहा हूँ। कौन रामू कौन पापा, कहाँ फोन मिलाया आपने? लड़की की आवाज में बात कर रहा है। बेटा पैसे लेते टाइम तो तेरे को सारी याद थी और अब लड़की की आवाज में बात कर रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं लड़की ही हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड हो गए? बात कराओ मेरी रामू से, मेरे पैसे लेके बैठा हुआ है। कौन रामू कौन गर्लफ्रेंड, मैं तुमको बोला ना रॉन्ग नंबर है। हाँ ठीक है, हो सके तो उस रामू को भी लेके आ जाना। फोन काट रही है यार। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, ना मैं रामू हूँ और ना रामू की गर्लफ्रेंड।
मैडम की स्टोरी। ये सारी गलती मेरे इस काम के मुनि ने किया है। इतनी सुंदर माल क्या? मालदार लड़की का बॉयफ्रेंड कोई चंगला कोई होगा? सारी गलती इस चोर की है। भैया मैंने कहा तुम वो चो मार रहे हो अब। इट्स ओके। वैसे एक बात बताओ, आपके पास ये रामू का नंबर कहाँ से आया? एक्चुअली मैं यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने यहीं लोकल मार्केट से ये सिम ली, और जब से ये सिम ली ना सिर्फ उधारी वालों के ही कॉल पे कॉल आ रहे हैं। खैर छोड़ो, मेरे पैसे तो डूब ही गए। वैसे आपको इस एरिया के अंदर कभी भी कैसी भी नीड हो मेरी या कुछ भी काम हो तो आप मेरा यही नंबर है, कॉल कर सकते हो। और हाँ, अगर कॉल करने का भी मन ना हो ना तो नाम ही ले लेना, वो ही बहुत है। चलो देखते हैं, बाय। ओके। जानता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? नितिन, सॉरी भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। नितिन भी ऐसे मत बोलना। और हाँ, अगर कॉल करने का भी मन ना हो ना तो नाम ही ले लेना, वही बोलता है। हेलो। हाँ रामू बोलो। मैं रामू नहीं बोल रही। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। हाँ बताओ, और कैसे याद किया? एक्चुअली मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बताओ कैसी हेल्प? ऐसे नहीं, मिलके बताते हैं। अच्छा चलो आ रहा हूँ। अरे भाई कौन रामू है? अरे तुझे नहीं पता क्या? जल्दी पता चल जाएगा। कैसे हो? मैं बढ़िया। बताओ कैसे बुलाया? एक्चुअली ना मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मुझे ना शॉपिंग पे जाना है, और मुझे यहाँ पे पता भी नहीं है कौन कौन सी शॉप है, तो इफ यू डोंट माइंड तुम से मेरे साथ चल सकते हो? अरे क्यों नहीं यार, आओ मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। शॉपिंग तो तुम्हारी हो गई है। अच्छा इधर एक गोलगप्पे वाला बड़ा फेमस है, चलो। ओ वाओ, गोलगप्पे तो मेरी फेवरेट है, चलो। हाँ चलते हैं। एक मिनट रुको। हेलो। हाँ भाई दांदी। अच्छा चला गया मैं। हाँ हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, आ गया आ गया। ओके चलो। यार मेरे को ना कुछ जरूरी काम है, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, तुम एक काम करो पकड़ो पहले, इधर से जाना सीधा, देन लेफ्ट हो जाना, ठीक है? वहां पर है, खा लेना, ठीक है? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय। हाँ भाई क्या हाल है यार? रिलेशनशिप में अभी तक 1 हफ्ता नहीं हुआ है और तुमने अभी से मुंह फुलाना चालू कर दिया है, क्या बात हुई है बताओ? यार मैं तुम्हारी उस दिन वाली बात पर अभी तक गुस्सा हूँ। कौन सी वाली बात? वही जिस दिन तुमने दोस्तों के चक्कर में मुझे छोड़ के चले गए थे। अच्छे यार वो तो यार मेरे दोस्तों का फोन आ गया था, तो अब तुम्हें पता है मैं अपने दोस्तों को कैसे मना कर सकता हूँ। यार तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है, तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं, आगे चलकर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे दोस्त नहीं। नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, लड़कों की दोस्तें लड़कियों की तरह नहीं होती है कि तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और बोलती है और फ्रंट पे कुछ और रहती है। और रही बात मेरे दोस्तों की, तो यार मुझे ना अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है, मेरे पर कैसी भी सिचुएशन हो वो मेरा हमेशा साथ देंगे। चलो देखते हैं। आओ चलो तो चलो। ओह शिट क्या हुआ? अरे यार थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई, एक मिनट रुको। चले? हाँ यार अब थोड़ा फास्ट। क्या हुआ? यार पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ओहो। यार यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख।
रहा। घर कैसे जाएंगे इसे लेकर? अरे तुम टेंशन मत लो, दोस्तों को फोन करता हूँ। क्या बात हो गई नितिन भाई? अरे पता नहीं कैसे चल जल्दी दिक्कत देगी यार। वो बात ना अपनी गाड़ी ले जा यार। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। वो बात काम करेंगे नितिन भाई। हाँ। एक बार इसके बराबर झोटे पे काट देंगे। बढ़िया, सबसे अलग। अरे झोटे तो याद है तीनो थारी भैंस ब्याह की के ये बात ना जा पकड़ना है। वो तो वीडियो में भेजते मारे जाइए मेरी बात ना भाई है। भाभी राम राम। तुम्हें पता नहीं आज शॉपिंग पे चलना है हमें। हाँ यार चलो चले यार, बड़ा सी गए। यार मैं ना तुम्हारे बिहेवियर से परेशान हो रही हूँ। अब क्या हो गया यार, तुम अपने दोस्तों के चक्कर में मेरा फोन नहीं पिक करते। अरे यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उस टाइम पे वहाँ पे ऐसी बातें चल रही थी कि मेरे को फोन काटना ही पड़ गया। तुम और तुम्हारे दोस्त। अरे तुम पता नहीं मेरे दोस्तों से क्यों लड़ रहे हो। आओ इधर इधर है रास्ता। हेलो तनिष्क भाई, मैं यार काजू में आया था यार मेरी वापसी के साथ। पता नहीं मेरा यार वॉलेट पता नहीं कहाँ गिर गया। एक काम कर तू भाई, ऑनलाइन पैसे सेंड कर दे मेरे को। चल ठीक है भेजू भाई। हाँ भाई क्या हो गया आज इतनी जल्दी सुबह सुबह बुला लिया, वो भी घर से इतना दूर। यार मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो। आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो मैं या तो तुम्हारे दोस्त। हमेशा अपने दोस्तों में लगे रहते हो, मुझे टाइम ही नहीं देते। यार अगर बात टाइम की है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा टाइम अपने दोस्तों को देता हूँ। जितना टाइम मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ ना, उतना ही टाइम मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। पर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहती हो कि जो टाइम मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ ना, वो टाइम मैं तुम्हें दूँ। हाँ तो इसमें गलत क्या है, फ्यूचर में दोस्ती नहीं प्यार ही काम आएगा। यार मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि लड़कों की दोस्ती ना लड़कियों की दोस्ती से बहुत ऊपर है, पर तुम्हें ऐसे कहाँ समझ आने वाला है। अच्छा एक काम करो, अपने फोन में से अपनी किसी 3-4 फ्रेंडों को फोन मिलाकर बोलो कि मेरे को 500 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। करो करो। हेलो उर्वशी, यार मुझे ना अर्जेंट 500 रुपीस की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसे दे दे अभी। यार तुझको तो पता है मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज नहीं करती, मेरे पास कैश है ओनली। हेलो श्वेता, यार प्लीज तू अभी 500 रुपीस मुझे भेज सकती है, मुझे ना एक्चुअली अभी नीड है, अभी जरूरत है प्लीज। यार मेरी अभी सैलरी नहीं आई। चल ठीक है। हेलो उर्वशी, यार मुझे ना अर्जेंट 500 रुपीस की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसे दे दे अभी, ट्रांसफर कर दे। यार तेरी साइड ना ऑलरेडी पैसे रह रहे हैं मेरे, पहले तो वो दे दे। अब मैं तुमको अपने दोस्तों का दिखाता हूँ। हेलो चीनू भाई, सेक्टर 32 वाले रोड पे अकेला खड़ा हूँ यार, और लड़ाई हो गई है। Thank you.
एक की लड़ाई में चार लड़ने को तैयार होते हैं। पीट कर आए तो ठीक, नहीं तो पीट कर भी मुस्कुराते हैं। हम तुम नहीं, गालियों में बात करते हैं। ये हम लड़कों की दोस्ती है, हम ऐसे ही बात करते हैं। पर यार तुम्हें अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो ये पब्लिक ही बताएगी प्यार के लिए दोस्ती को छोड़ू या दोस्ती के लिए प्यार को छोड़ू। ठीक है गाइस, कमेंट में बताना। अरे यार बेली सारे पूरे ही खराट ने मुर्गे दे शौकी ना मंगाउंदे चाट ने हिट रहनु ओन ठंडियां तरेलियां जवाला मुखी वाली अग दी औलाट ने पैरी दे दिमाग इत्ते करदे ने राज ते अलड़ां दे दिलां विच था मन दे ओ पंज यार ने बनाए जट ने जिथे रफड़ा जवाब देने उथे चल दे ओ पंज यार ने बनाए। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने उस दोस्त के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ गाइज, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर। और इसके साथ साथ में हम 3 लाख के बहुत ज्यादा करीब है, तो 3 लाख करवा दो और साथ में सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है गाइज।